बता दे रहा हूं, जब शनि साढ़े साती लगेगा, लगता है कुंभ राशि में लगा, मकर में लगा, मीन में लगा, और ये जब साढ़े साती लगता है, शनि का पहला काम करता है कि आदमी को जिद्दी, बेवकूफ, अतिक्रोधी, और कुंभ राशि में शनि के ऊपर शनि आ जाए, 2.5 साल महामूर्ख मूर्खाधिराज, और जिंदगी को पस्त कर देता है। अगर जन्म कुंडली के शनि राहु के ऊपर शनि आया, जिंदगी उथल पुथल कर देगा, 2-2.5 साल के अंदर पस्त करके, ध्वस्त करके, त्रस्त करके, मस्त कर देगा। ठीक है, हाँ एकदम ठीक। तो भयंकर, हाँ, और मान सम्मान में हानि होना, पैसा में लॉस होना, अपने घर का कुत्ता भी काट जाना। लेकिन अभी मकर राशि वालों को देखना, जो लोग सबसे ज़्यादा दुर्व्यवहार करते थे, डिसरेस्पेक्ट करते थे, वही लोग अभी नमस्कार करना चालू कर दिए हैं, वही लोग उसको सम्मान देना चालू कर दिए हैं। लोगों को पता चल गया है कि ये जो मकरू है, जिसको हम लोग नीचा दिखा रहे थे, कल तक हम लोग उसे नमस्कार नहीं कर रहे थे, इसको बुरा भला बोल रहे थे, मान सम्मान का हानि कर रहे थे, इसको गंदा बोल रहे थे, ये तो हरा खरा सोना है, खरा सोना है, नमस्कार नमस्कार, थैंक यू, गुड बाय बाय, ये सब करना चालू कर दिए हैं मकर वालों। मकर वाले अभी रेस्पेक्ट पाना चालू कर दिया है। हाँ नहीं, बेटर होना चालू हो चुके हैं। आप थोड़ा सा ध्यान देना, कल तक जो आपके तरफ मुंह मोड़ता था, नहीं देख रहा था, अभी नमस्कार करना, हाथ मिलाना और पास आने का काम चालू कर चुका है। बहुत केसेस मेरे पास आ रहे, चलो 2-3 केस फेलियर है तो अलग बात है। हाँ पड़ोसी वाले भी अभी आपको थोड़ा सा सम्मान देना, चिंता करना, आपको सहायता करना, एक प्रकार का सपोर्टिव कंडीशन धीरे 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 बिल्डअप डेवलपमेंट होना चालू हुआ है। आगे चल के फिर से हो जाएगा, लोग भूल जाएंगे कि आपके साथ कुछ हुआ था, आप भूल जाओगे कि आपके साथ कुछ हुआ था। गुरु जब मकर राशि के ऊपर दिखेगा, 9th हाउस में दिखेगा, लाभ स्थान में दिखेगा, पंचम में रहेगा, तो आपके साथ देखना बहुत सारा मैटर ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएंगे। आप जो ये पूछ रहे हो ना कि ऐसे पति के साथ मैं कैसे करूं, आगे कैसे संबंध चलेगा, फैमिली कैसे देखूं, बच्चा पैसा कैसे पैदा करूं, नहीं डरने का कोई आवश्यकता नहीं, ना 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 ना, अभी तो आप सो स्ट्रांग मकर राशि वाले बन गए हो। शनि 5.5 साल 6 साल 7 साल में ठोक पीट के सबको लोहे का पत्थर से लोहा बना दिया, खरा सोना बना दिया, वो 10 कैरेट या क्या 27 कैरेट क्या बोलते हैं उसको, हाँ 24 कैरेट, हाँ वही 24 कैरेट का सोना डर निकाल देता है। यस जो होगा देखा जाएगा, हमें साण और हमें किसका मायके लाल में दम है जो कोई उखाड़ दे हमारा, ठीक है ना, जाए दुनिया भाड़ में, हम रहे साण में, टेंशन कुछ भी नहीं, अब चलो आगे आगे देखेंगे क्या होगा देखा जाएगा। वही तो बोल रहा हूँ, आप बोल रहे हो, आप गांव गए थे तो लोग आपको सम्मान दे रहे हैं बोल के तो आए, उनका दुख आपको सुनाए, मेरा लैंग्वेज आप अपने लैंग्वेज में समझा रहे हो, और क्या, कल तक नहीं आ रहे थे आज आएंगे, कल तक नहीं पूछ रहे थे आज पूछेंगे, कल तक सम्मान नहीं दे रहे थे आज देंगे, कल तक नमस्कार नहीं कर रहे थे आज करेंगे, कल तक हाय हेलो नहीं कर रहे थे आज कर रहे हैं, करेंगे और भी करेंगे आगे चल के, ठीक हो जाएगा, आपके मनोस्थिति में और परिवर्तन आ जाएगा, चिंता का कोई विषय नहीं है, ठीक है ना, बस गुरु को खाली घर चेंज कर देना, तो यही महीने 23-24 के बाद बाद देखिए चेंज करेगा, फिर ब्रश में जाके थोड़ा टेंटवाएगा, पावरफुल हो जाएगा, बोला साहब ठीक, चलो भूल जाओ साढ़े सती बड़े सती, हम है ना, हम गुरु हैं गुरु, ठीक है अब हो जाओ तुम शुरू। ओ मैं क्या बता रहा हूँ, आप है ना त्रिकालदर्शी तो हो नहीं, एक बात, दूसरा आप तो संजय जी नहीं हो, संजय जी तो हम है ना, ठीक है गीता में मेरा नाम आता है, थोड़ी आपका नाम आता है, आप बिना मतलब का टेंशन करते हो, कृष्ण भगवान और वो व्यास ने मुझे पावर दिए हैं कि बेटा तू यहाँ बैठ, अपना टीवी खोल और दृष्ट्वा तू पांडवान एकम बुढ़म दुर्योधनस्तदा आचार्य उपसंगम्य राजोपचनम अब्रवीत, हमारा काम है धृतराष्ट्र को समझाना, आपका काम नहीं है, आप बस सोचो उसके बारे में, ठीक है कुंडली हम देख रहे हैं। सुनो क्या बता रहा हूं ना, अभी तो मकर राशि का टॉप गुड बेस्ट सॉलिड मस्त बम बम पीरियड आ जाएगा, कुछ लोगों का आ चुका है, मनोस्थिति चेंज हुआ है, परिस्थिति चेंज होने के लिए और कुछ दिन बाकी है, ले देके चलो और 1 साल अप्रैल 2025 ले भी लो, उसके बाद तो आपका गाड़ी धड़ल्ले से चलेगा, चलो 2.5 साल तो पक्का चलेगा, तृतीय में शनि रहेंगे, द्वितीय में राहु रहेंगे, चलेगा ही चलेगा, है कि नहीं।
अब आप ये सोच रहे हो कि जब हमारा सब ठीक ठाक हो जाएगा तो इस गधा को कैसे पालेंगे? भाई गाजर खिलाओगे और कैसे पालोगे? गधा को मुंह में गाजर डालो, गधा अपने आप ठीक हो जाएगा। एक बात अब सुनो, इंपोर्टेंट फैक्ट क्या बता रहा हूं सुनो।